मॉर्निंग आप सब लोग स्वागत है का में। देखो चीकू मेरा चैन खरीद के लाया है देखो दिखाओ ये देखो जाता ये थोड़ी। नहीं अभी नहीं ठंड लगी मा, मा, नहीं। दिखा दो लिखा हुआ है ये चीकू लिखा है ना क्या लिखा है चीकू पहले क्या लिखा है बताओ अच्छा बयान लिखा है ये देखो बयान लिखा हुआ है चीकू ने अपने पैसे से बनाया है ना तो मैं इसका जैकेट खोल देती हूँ दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आज हम जो दिखाने जाएंगे तो आप लोगों को भी काम आ सकता है यूजफुल है आप लोग भी अगर सीखना चाहते हैं आप लोग वीडियो के साथ बने रहेगा हम आज कुछ नया दिखाएंगे आप लोगों को कुछ बनाने जा रहे हैं तो आप लोग बने रहिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा तो ये अभी देखो जब सैंडल पहन के नीचे जाएगा ये अपने दोस्त के साथ खेलने के लिए ठंड तो बहुत है काफ़ी ज़्यादा है तो मैं आप लोगों को दिखा ही देती हूँ ऊपर जा रही हूँ मैं अभी तो मौसम भी दिखा देती हूँ कि धुंध कितनी ज़्यादा धुंध पड़ रही है यहाँ पे बहुत मतलब ठंड बढ़ गई है हम पिछले वीडियो में बताए थे ये ठंड कम ही है पंजाब में लेकिन दो दिन से ना बहुत ठंड हो गई है तो ये देखो अभी मुझकी नौ बज गया है तब ये हालत है बहुत ठंड है तो अभी तो हर जगह ठंड होगी लेकिन कहीं कहीं नहीं होती है कम ज़्यादा होता रहता है तो यहाँ पर ज़्यादा ही हो गया है तो अभी हम चलते हैं काम सब तो हो गया है लेकिन पोछा लगाना बाकी है तो ठंड में तो काम करने का दिल भी नहीं करता है तो सब अपना अपना आग जला के सेक रहे हैं इधर पीछे काम भी कर रहे हैं सब तो अभी मैं चलती हूँ मैं ब्रश करके पहले खाना खा लेती हूँ उसके बाद जो हम आपको बताने वाले हैं तो वो बताएंगे वो काम भी करेंगे तो अभी मैं नीचे चलती हूँ और काम कर लेती हूँ पहले जो बचा हुआ है क्योंकि ठंड में लेट हो जाता है ना तो फिर काम करने का दिल नहीं करता है तो ठंड काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ गया है यहाँ नीचे से आ गया ये अब ये मेरे को बोल रहा है ऊपर चलो मेरे साथ तो ये भी जाएगा ऊपर मस्ती करने तो मुझे भी ले जाएगा तो मैं इसके साथ थोड़ा ऊपर चली जाती हूँ नहीं तो जिद पकड़ लेता है ये ये जो ज़िद पकड़ लेता बच्चे तो होते ही ऐसे जो बोलता है वही करता है बच्चे सब बहुत ज़िद्दी होते हैं कच्चे खुज रहा है मेरे ऊपर तो मैं इसको ऊपर घुमाती हूँ ये इसका ये पापा ने गिफ्ट किया है ये हम हाँ लोग लिए थे तो ये भी बोल रहा था कि मेरा भी लॉकेट वाला चेन चाहिए तो इसका भी बनवा दिया इसका नाम लिखा के तो अभी मैं ऊपर जा रही हूँ इसको लेके और फिर दो मिनट में आ जाऊँगी ये मस्ती करेगा ऊपर ठंड काफ़ी ज़्यादा है तो मैं इसको ऊपर ज़्यादा देर नहीं रहने दूँगी ये देखो ये आया है मस्ती करने के लिए इसको ये जो धुंध लगता है ना तो उसको ये धुआँ बोलता है इसको पता नहीं चलता है तो बोलता है कि मम्मी धुआँ है आग जलाया कोई इसको पता नहीं चल रहा भी। आग, अभी चाचू का है मजूरा एडमिशन करवाएंगे इसका क्योंकि अब ये बड़ा हो गया है काफ़ी ज़्यादा चौथा साल लग रहा है इसका पब्जी को भी जाएगा स्कूल स्कूल जाएगा सब कुछ तो हम आप लोगों को वीडियो में दिखाएंगे ही तब तक मैं अभी ब्रश कर लेती हूँ नाश्ता कर लेती हूँ फिर कोई काम करूँगी क्योंकि लेट हो जाता है फिर कोई काम लग जाते हैं तो तो यहाँ पर मैं ली हूँ चाहे पुराना जो घर में हम पर्दे लगाते हैं तो जो बेस्ट पड़ा होता है हमको फेंक देते हैं उसको तो हम यूज़ कर लेंगे उसको कुछ बना लेंगे फेंकना नहीं है क्योंकि कोई भी चीज़ यूज में आ जाता है थोड़ा मेहनत कर लो तो तो मैं ए का जो ऊपर होता है पंखे तो मैं उसका कवर बना लूँगी इससे तो एक मैंने बनाई हूँ चार पर्दे थे तो एक से मशीन का कवर बना है और एक से ए का दूसरा दो ए का है तो एक ए का बन गया है उसमें से जो कपड़ा बचा है तो हम इसमें भी यूज कर लेंगे वेस्ट नहीं करेंगे तो अभी हम पल्ला काट लेते हैं क्योंकि हम लिफाफा काट के रखे थे इसको ऊपर लगाने के लिए तो लिफाफा इस लिफाफे पे ना सिलाई नहीं चली तो हम उसको निकाल दिए थे इसलिए नाप हमारे पास है वैसे हमने लिख के भी रखी हूँ तो एक पर वो जो बर्दा बचा हुआ है उसमें से एक ही पल्ला निकला है मेरा तो इसमें से मैं और तीन पल्ले इसमें से निकालूंगी चार पल्ले इसमें से निकालूँगी क्योंकि पाँच पल्ले हैं तो पाँच पल्ले तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा ज़्यादा फोल्ड था तो मैं इसको खोल दी हूँ कि लंबा हो जाए कपड़ा ख़राब ना जाए मैं नाप देख लेती तो हूँ एक बार इसमें भी क्योंकि आगे पीछे हो जाता है ना तो दो पल्ले एक जैसे है दो पल्ले एक जैसे एक पल्ले अलग है तो डेढ़ टन का इसी है तो उसके हिसाब से मैं बना रही हूँ अगर आप लोग बनाओगे तो अपना इसी का नाप एक बार जरूर ले लेना क्योंकि डेढ़ टन का होता है तो तो नाप सेम ही होगा लेकिन फिर भी नाप ले लेना चाहिए क्योंकि छोटा बड़ा हो जाएगा फिर बाद में तो उस पर मैं मैं अभी मैं लिफाफा डाल कर रखी हूँ क्योंकि मिट्टी सब पीछे से खेत से आता है ना तो वो गंदा होने की बात नहीं है लेकिन उसमें जो होती है ना जो सर्विस करानी पड़ेगी फिर जब हम जलाएँगे ना अगर ढका हुआ नहीं रहेगा ना तो सर्विस करवानी पड़ेगी तो इसीलिए भैया आए थे सर्विस वाले तो बोले थे ढक के रखने के लिए तो हाँ कोबर तो मिल भी जाता है लेकिन मैं देखी थी वो जो रेडीमेड होता है ना तो थोड़ा छोटा ही होता है नीचे से उतना फिनिशिंग नहीं होती है उसमें तो मैंने सोची कि अब मैं खुद ही बना लूँ तो मैं बना ल, बना रही हूँ अभी काट ली हूँ दो पले कट गए मेरे तो मैं डिज़ाइन थोड़ा कर देती हूँ इसमें क्योंकि ये दो तरह दो दो एक लाइन वाली है एक गोल लाइन वाली है तो मैं दोनों लाइन लाइन वाली जो है तो मैं साइड से लगाऊंगी और बीच में फ्लावर वाली लगा दूंगी तो अच्छा लगेगा थोड़ा लुक देखने में तो आप लोग देखिएगा कैसा बना है तो अगर आप लोगों को भी बनाना है तो ज़रूर कोशिश कीजिए और बेस्ट कपड़े जितना भी है घर में एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते तो उसको यूजफुल बनाइए क्योंकि कोई भी चीज़ को हम अच्छे से मेहनत करके बनाएंगे तो अच्छे से ज़रूर बन जाता है तो हम लोग भी एक इसमें से दो तीन पर्दे किसी को दे दिए थे तो और पड़ा हुआ था घर में बहुत पड़ा हुआ ऐसे है तो मैं सोच मैं बोल रही हूँ कि मैं सारा कुछ बना दूँगी तो आप लोग मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि नए नए ट्रिक लेके हम आएंगे तो आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा तो मम्मी यहाँ पे चाय दे गई है बना मैं काम कर रही थी मैं बोली मम्मी को थोड़ा चाय बना देने के लिए ठंड काफ़ी ज़्यादा है तो मम्मी चाय दे गई बना के तो मैं यहाँ पे काट लेती हूँ पहले अच्छे से इसको फिर इसको सिलाई करूँगी वो भी हम आप लोगों से शेयर करेंगे सिलाई करेंगे तो इसमें हम और एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे क्योंकि हम ऐसे ही नहीं लगा देंगे तो अभी देखते रहिए मैं क्या क्या कार करती हूँ तो मैं पहले ये ये जो पल्ला काट रही हूँ मैं तो ये है आगे का पीछे का जो चौड़ा वाला भाग होता है पंखे की तरफ से उसका है ये दोनों तो मैं बता दे रही हूँ आपको कैसे लगाएंगे ये वाला जो लाइन वाली है तो ये हम ऊपर और दोनों साइड से देंगे और ये बीच में जो दो पल्ले रखे बड़े वाले तो वो हम दोनों आगे पीछे देंगे तो जब हम बना के दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा तो अभी हम बता दे रही हूँ ऐसे सिलाई लगानी है तो मेरे पल्ले कंप्लीट हो गए हैं कट के तो अब सिलना है तो अभी थोड़ा और बाकी है जैसे कि बताया था कि एक्स्ट्रा कुछ ऐड करेंगे तो मैं इसमें ये लगा रही हूँ जो चावल लाते हैं ना तो उसका लिफाफा लगा देती हूँ थोड़ा वो हो जाएगा ना पानी पुनी जाएगा अंदर तो अब जॉब नहीं करेगा वो इसलिए मैं ये उप, पूरा नहीं हो सकता है तो मैं ऊपर की साइड और सामने वाली साइड जो पंखे की तरफ होती है तो मैं उधर लगा देती हूँ थोड़ा सा तो वो हो पानी से तो मैं ये लगा देती हूँ इसके नाप से मैंने ना काट ली हूँ ये थोड़ा बहुत छोटा भी है एक साइड तो चलेगा कोई बात नहीं है वैसे तो वो धूल मिट्टी में ही होते हैं तो फिर भी मैं सोची लगा देती हूँ कवर क्योंकि तो हमें वो ना करवाना पड़े सर्विस करके ही हम लोग बंद किए थे सर बंद करने से दस दिन पहले ही सर्विस हुई थी उसकी दोनों की तो इसलिए तो अभी मैं सिलाई लगा लेती हूँ इसमें और देखते रहिए कि हमारा कैसा बना है ए का कवर तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो तो देखते रहिए तब तक अगर मेरे चैनल तो मैं अभी सिल लेती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोग बन के तैयार हो गया है तो अभी हम इसमें कुछ और लगाएंगे इसमें मैं सोच रही हूँ क्या जिप लगा देती हूँ क्योंकि हमें खोलने में और लगाने में आसानी रहेगी निकले के भी नहीं जैसे कि हवा सब में तो मैं इसमें जिप लगा रही हूँ अभी खोल बन के तैयार हो चुका है तो मैं इसमें जीप जीप लगा देती हूँ तो जिप लगाने के बाद दिखाऊँगी कि फिटिंग कैसी है इसकी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी पूरा दिखाऊँगी डाल के आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर कर दीजिएगा तो मेरी चैन लगने वाली है तो आप लोग वेट कीजिए मैं दिखाऊंगी तो अगर आप लोगों को भी बनाना है तो ज़रूर ट्राई कीजिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है तो अगर करना चाहोगे तो आसान ही होता है हमारी तो जिप लग गई है अब मैं ऊपर जाके इसको तो कॉपर बन के तैयार हो गया यहाँ पे तो अब मैं जा रही हूँ उसमें घुसा के देखूंगी कि फ़िटिंग अच्छे से आए कि नहीं आए आप लोगों को भी दिखाऊंगी तब तो तक के लिए मेरे ब्लॉग में बने रहेगा तो मैं जा रही हूँ ऊपर और देखती हूँ कि फिटिंग कैसी आई है तो आप लोग अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कॉमेंट शेयर कर दीजिएगा और कॉमेंट में ज़रूर बताएगा कि वीडियो कैसा लगा तो ये देखो कितनी अच्छी फिटिंग आई है तो अगर आप लोग भी सिलना चाहते हो तो सिलो और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो तो मैं ये लंबी लाइन वाली दोनों साइड से रखी हूँ और ऊपर से रखी हूँ तो इसका लुक देखो कितना अच्छा लग रहा है दोनों साइड ये गोल गोल फ्लावर जैसे है तो जा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये देखने में और फिटिंग भी बहुत अच्छी है तो आप लोग भी देख सकते हो तो वीडियो अच्छी लग रही